कोरोना काल में मोदी जी कोविड-19 में हम लोग से थाली पिटवाते थे, आज वही थाली हम लोग को पीटना पड़ रहा है अपना पेट के चलते। तेजस्वी यादव बोले थे कि पहले कि हम जब स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे ना तो हम आशा को मानदेय जरूर करेंगे, आज वो कहाँ चले गए थे। 9 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं पटना सिटी के सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं ने ताला जड़कर पिछले 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आज आशा कार्यकर्ताओं ने गहरी नींद में रसोई सरकार थाली पीटकर जगाने का काम किया है और सरकार से अपनी 9 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है। वही सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आशा कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण पूरे राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से आए मरीज अस्पताल को बंद देखकर निराश लौट रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2019 से अब तक की बकाए राशि का भुगतान नहीं किया गया है और न ही वेतन में वृद्धि की गई है, साथ ही सरकारी सेवक का दर्जा दिया है। आशा कर्मियों का कहना है कि तेजस्वी यादव का कहना था कि जब स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे तो उनकी अमाएं को दूर करेंगे और पर आज तक आशा कर्मियों की 9 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया। आशा कर्मी ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरा नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन कर सरकार से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आशा कर्मी जहां अपनी मांग पर अड़े हैं वही सरकार भी उनके मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इसी में आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। तो क्या कुछ कर रही हैं आशा कार्यकर्ता मंजू देवी और अनिता देवी, पहले उनकी हम पूरी बात को सुनवाते हैं। आज हम लोग थाली पीटने का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह कोरोना काल में मोदी जी कोविड-19 में हम लोग से थाली पिटवाते थे, आज वही थाली हम लोग को पीटना पड़ रहा है अपना पेट के चलते। इतना काम करवा करके भी मोदी जी कोरोना काल में हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किए, इतना तक कि डॉक्टर लोग को 50-50 लाख रुपया थी कोरोना काल में डेट करने पर मिला, लेकिन आशा इतना मर गई, अपना जान दे दी, घर घर घूम के सर्वे की, उसके लिए मोदी सरकार कुछ नहीं सोच रहे हैं, नीतीश सरकार कुछ नहीं सोच रहे हैं, इतना तक कि आशा पर सिर्फ शोषण किया जा रहा है, आशा को दबाव दे करके काम लिया जा रहा है। यही हम लोग का मांग है। अब हम लोग इस काम से ऊब गए हैं, लेकिन अब हम लोग 12 तारीख से हम लोग हड़ताल पर हैं और आज 17वां दिन है और अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे। ना ही तो सरकार का कोई काम होने देंगे और ना ही करेंगे, खुद भूखे मर रहे हैं और बाले बच्चे लेकर के हम लोग यहाँ PSC पर धरना दिए हुए हैं। और आपके मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है, सरकार नहीं सुनती तो आगे आने वाले दिनों में क्या करेंगे? आगे आने वालों दिन में और इससे भी भारी हड़ताल होगा और एक भी काम हम लोग PSC के दम ठप करेंगे, उसके बाद चक्का जाम करेंगे, CM का घेराव करेंगे। मेरा नाम अनिता देवी हुआ है कि हम लोग को सरकारी सेवक घोषित करे और हम लोग को मानदेय दे। तेजस्वी यादव बोले थे कि पहले कि हम जब स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे ना तो हम आशा को मानदेय जरूर करेंगे, आज वो कहाँ चले गए तेजस्वी यादव? आज तो उनको आँख खोलना चाहिए, कान खोलना चाहिए कि हाँ आशा के, जब आशा हम जब बन गए स्वास्थ्य मंत्री तो हम आशा के तो कुछ करेंगे, तो आज कहाँ है? आज तो उनको करना चाहिए। आज हम लोग को 17 दिन हो गया है धरना प्रदर्शन पर, वो नहीं सुन रहे तेजस्वी यादव, सुनना ना चाहिए, झूठा बात नहीं करना चाहिए। क्या है?